सांस लेने का मौका मिलता है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर ये लॉकडाउन का इंपैक्ट क्या है? जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट लॉकडाउन का हो रहा है, इसी के बारे में आपको पास से हम लोग जानने चाहते हैं, तो प्लीज हमें जानिए। ओके, आज जून 5, 2020, जैसे सर ने बताया कि आज प्रकृति परिवेश दिवस है, तो हमें प्रकृति के लिए, परिवेश के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हर साल की तरह इस साल भी परिवेश दिवस पर एक लक्ष्य रखा गया है, और वो है टाइम फॉर नेचर, या वक्त निकालना अपने परिवेश के लिए। तो ये परिवेश है क्या? हमारे चारों ओर में हमारे साथ रहने वाले जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सभी तरह के जो प्रकृति के दिए हुए दान है, उन सभी का ख्याल रखना और इनके लिए वक्त निकालना। हम आज की उन्नति के इस दौर में वक्त को सिर्फ पैसे के अनुकूल पैसे के साथ मूल्यांकन करते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पैसा के साथ में मूल्यांकन करने वाला चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें और भी कुछ आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, जो हमारे आने वाले कल को बहुत एक अच्छा सुंदर सा प्रकृति दे सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस ग्रह में रहते हैं वो ग्रह है अर्थ, और ये हमारे लिए बहुत सुंदर सा एक घर की तरह काम करता है। ये हमें हर तरह से, हर चीज़ जो हमें ज़िंदा रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं सबसे, तो वो सभी चीज़ प्रदान करती है, पर हम इसे दिन ब दिन दूषित करते जा रहे हैं। जैसे हर दिन हम इसमें कोई ना कोई तरह के हमारे जो कार्य है, जो हम अपनी उन्नति के बारे में जब भी सोचते हैं, तो तभी हम इसी प्रकृति को ध्वंस करके और इसे हम दूषित करके अपने उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमारे आने वाले कल पर एक बुरा प्रभाव करने वाला है। अगर देखा जाए तो इसमें दूषण की जो मात्रा है, उसमें सबसे ज़्यादा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन एमिशन का होता है, और ये कार्बन की एमिशन सिर्फ एक कोई एक स्रोत से नहीं आती है, ये कई सारे स्रोत से बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर पर कि ये जो नदी में जो जहाज घूम रहे हैं, ये पानी को दूषित कर रहे हैं, जो शहरों पर जो जान वाहन घूम रहे हैं वो हवा को वहाँ भी दूषित कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन है। सिर्फ ये एक शहर की नहीं, ये हर बड़े शहर की आज की स्थिति बन चुकी है, छवि बन चुकी है। लेकिन ये कार्बन एमिशन के चलते जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो है हमारी जो चारों तरफ की जो तापमात्रा है, वो ग्लोबल वार्मिंग, उस तापमात्रा में बढ़ोतरी का, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा एरिया में पूरे दुनिया पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है, वो मेरू पर है, जहाँ पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टाने, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, वो पिघलती जा रही है, और इसके कारण समुद्र की जो स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और जो समुद्र के लगे हुए जो इलाके हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे दिन ब दिन। तो इसके बाद में जो सीवियर वेदर, इससे काफ़ी सारे स्टॉर्म्स होंगे, तूफान बढ़ेंगे, बारिश होगा, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा सूखा भी हो सकता है। तो ये जो सीवियर वेदर है, इसके कारण हम लोग और भी देख सकते हैं कि चारों ओर हमारे वर्ल्ड वेदर से जो नुकसान होने का जो स्थिति बनेगी, वो काफ़ी ज़्यादा बनेगी। अब मैं आज की परिस्थिति में आता हूँ, जो है कोरोना पैंडेमिक का, कोरोना महामारी। ये कोरोना महामारी, हमें सभी को पता है कि ये कोरोना महामारी ने हमें अपने घर में बंदी बना के रख दिया है,
लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह भी हुआ है कि इस प्रकृति को खुल के सांस लेने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है, क्योंकि पूरे दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हमारे भारतवर्ष में भी पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन की स्थिति है और ये कुछ दिन तक और भी आगे जारी रह सकती है। तो उस लॉकडाउन की स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये लॉकडाउन से हमारे परिवेश, हमारे वेदर पर कुछ प्रभाव पड़ा है? जरूर से प्रभाव पड़ा है, लेकिन वो जो प्रभाव पड़ा है वो अगर आकलन किया जाए तो वो हमारे लोकल जो वेदर है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर हम देखें तो उसमें देखा जाए कि सबसे कम पॉल्यूशन यहाँ पर, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो काफी कम दिखाई दे रही है, और साथ में जो है कि काफी ज्यादा लोकल जो वेदर प्रोसेस है वो बैलेंस्ड वे में काम कर रहे हैं। बैलेंस मतलब क्या, जिसे हम समझ सकते हैं जो 4-5 साल पहले भी वैसा वेदर हम लोग पाते थे, क्योंकि ये पिछले 5-6 साल या 4-5 साल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट के चलते हमने परिवेश को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसे दूषित किया है। अगर मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो 1982 करीबन 37-38 साल बाद इस साल कार्बन एमिशन की जो मात्रा है भारतवर्ष में सबसे कम है। कार्बन एमिशन जो फॉसिल फ्यूल से होती है, फॉसिल फ्यूल्स के मतलब कोयला, खनिज पदार्थ, खनिज तेल, तो ये सबसे जो अपनी जो मात्रा है इसका जो यूसेज था, इसका जो हम लोग ने काफ़ी कम यूज किया है लॉकडाउन के क्षेत्र में, पर पूरे दुनिया में अभी भी इसका जो स्थायित्व है ये जो अभी भी काफ़ी बड़े मात्रा में पाया जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में हर देश में एक साथ में लॉकडाउन नहीं हुआ है और अपने अपने देश में अपनी अपनी एक अलग अलग पॉलिसी होती है उसे यूज करने की फॉसिल फ्यूल्स। और एक रिकॉर्ड बताता है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड कि दिवाली के टाइम में जो पॉल्यूशन की लेवल कोलकाता शहर में करीबन 800 AQI हुआ करता था। AQI मतलब एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो होता था, वो आज के दिन में इस मई में कुछ दिनों तक वो 10 के नीचे भी चला गया था, जिसे कोलकाता को पूरे विश्व का लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी माना गया है। ऐसे ही कई सारे सोशल मीडिया और सोशल फीड्स में भी हमने पाया है कि 250-300 किलोमीटर दूर से भी दूर दूर के हिमालय के चट्टानों के पीक्स को देखा गया है, और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्राप्ति है कि हमने इस चीज को देखकर हमने आगे के जो स्थायित्व है इसकी, जो परिवेश को जो हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, परिवेश को अपने साथ में कैसे ले जा सकते हैं, इस बारे में हमें सोचने का ये जो वक्त है अब आ चुका है, क्योंकि परिवेश ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम उसे उसके लिए सोचे, उसको अपने साथ में लिए आगे बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ जो मैं बता रहा हूँ कि 4-5 साल पहले नहीं था, ये तब था कैसा, तब एक मैं थ्योरी के नाम देना चाहता हूँ जिसका नाम है बबल थ्योरी। तो ये बबल क्या है, बुलबुला, जैसे पानी में बुलबुला होता है, तो एक बड़े बड़े शहरों को मैं अगर एक बुलबुले के अंदर में रख देता हूँ तो वो बुलबुला के अंदर में उसका अपना एक एरिया, अपना एक अपना वेदर प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। तो ये बुलबुला था किसका, ये प्रदूषण का बुलबुला था, और ये प्रदूषण का बुलबुला का मेन कारण ही था कार्बन एमिशन, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण, साथ में एरोसोल्स का होना। इसका जो मेन कारण था वो था कि हायर पोल्यूशन लेवल्स का होना, और साथ में ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका वाटर वेपर, तो इन सब का ज़्यादा मात्रा में हवा में होना होने के कारण आपका जो गर्माहट होती थी वो अंदर ही ट्रैप रह जाती थी, बारिश के सिस्टम्स में कमी आती थी, कभी ज़्यादा होती थी, तो हर तरह से एक डिफरेंस तैयार होता था। और सबसे बड़ा प्रभाव डालता था इन शहरों पर वो है एरोसोल्स, वो है एरोसोल्स का। तो ये एरोसोल्स है क्या, एरोसोल्स में दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक होता है सूट, जब कार्बन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो गर्मा सूट की जो मात्रा है वो कम हो गई, सूट काले कलर की होती है और वो क्या करती है, हीट को, सूरज की जो धूप है उसको ट्रैप कर लेती है, अपने पास में रखती है और हवा में गर्माहट बनाए रखती है, हीट को नहीं वार्मिंग को बढ़ाए रखती है, और उसमें सल्फेट जो होती है, सल्फेट की जो कलर है वो कलरलेस है। तो यहाँ पर सल्फेट का जो काम है कि वो बादलों को तैयार करती है, कंडेंसेशन करती है। तो यहाँ पर जो बात अभी की जो स्थिति है, उस वक्त में जो स्थिति होती थी वो ये थी कि जो एरोसोल्स थे वो जब कोई भी तूफान इन शहरों की तरफ आते थे तो उस पर जो सूट था वो जो क्लाउड आते थे उनका इवेपोरेशन को कम कर देता था, उन पे जो वार्म देके उनका जो मॉइस्चर था उनका मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देते थे क्लाउड के अंदर ही, और हमें बारिश नहीं मिलती थी और हमें कुछ ऐसा वेदर मिलता था जो सिर्फ क्लाउड्स के पैटर्न्स थे,
जो क्लाउड हमारे ऊपर से चले जाते थे, और ये क्लाउड से भी क्यों दिखते थे, उसे सल्फेट सपोर्ट करता था, सल्फेट के कारण ये क्लाउड तो हमें दिखते थे लेकिन हमें बारिश नहीं मिली। फिलहाल इस साल क्या हुआ, इस साल ऐसा क्या हुआ, इस साल जब हमारे यहाँ पे एरोसोल्स की कमी हो गई तो सूट बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अगर लास्ट चार पाँच साल की बात करूँ कोलकाता शहर के लिए, तो वहाँ पर देखा गया कि जितने भी तूफान आते थे, बहुत सारे तूफान शहर के 10-20 किलोमीटर बाहर से ही उन पे उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी तीव्रता में कमी आ जाती थी, और सिर्फ हमें ऐसे क्लाउड्स हमारे शहर के ऊपर से शहर के ऊपर से चले जाते हुए दिखते थे। पर अभी की जो स्थिति है वहाँ पर सूट की कमी होने के कारण उसकी जो इवेपोरेशन है क्लाउड में मॉइस्चर की, वो कम हो चुकी है, और अभी जो तूफान आ रहे हैं उसमें वही तीव्रता रह रही है। और ऑलमोस्ट अभी इस साल हमें आफ्टर लॉकडाउन हमने काफ़ी सारे जो लोकल स्टॉर्म्स जो होते हैं कोलकाता के ऊपर में, जिसे हम नॉर्वेस्टर बोलते हैं या कालबैशाखी बोलते हैं, वो काफ़ी सारे मिले हैं, और इससे काफ़ी अच्छी बारिश भी मिली है तूफान के साथ में। तो ये एक बहुत गौर करने वाली है बात है कि जो लोकलाइज्ड वेदर फेनोमेना है उस पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इसमें। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये क्या होता था कि पहले जब ये नॉर्मल कंडीशन में प्रदूषण दूषित रहता था, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, तो वहाँ पर स्टॉर्म जो आते थे, जो तूफान आते थे, उनके फीचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती थी, और साथ में जो मॉइस्चर कम होता था उसमें बारिश कम होती थी, क्योंकि वो सूट के कारण मॉइस्चर को सोख लेता था, उसको इवेपोरेट कर देता था क्लाउड में ही, और साथ में फॉर्मेशन बनता था पॉसिबल हीट आइलैंड। बट हीट आइलैंड क्या है एक्चुअली में, किसी किसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का ट्रैप्ड हो जाना, एक जगह पर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी ना, उसका कारण हो सकता था कि कम पेड़ का होना, साथ में या तो उस जगह में काफ़ी ज़्यादा जान वाहन या आदमी का चलन आना जाना करना, इसी के कारण क्या होता था वहाँ पे जो तापमात्रा रहती थी एक ही शहर के अंदर में करीबन 3 से 4 डिग्री की भी डिफरेंस गर्मी के वक्त में हमने पाया। तो जो इस साल काफ़ी लॉकडाउन के बाद में काफ़ी कम है, तो एक तरह से अगर देखा जाए जो बुलबुला था वो इस साल काफ़ी हद में कम हो चुका है या है ही नहीं। अगर हम सोचा है तो इस बुलबुले को फिर से जन्म देने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसने फिर से जन्म ले लिया तो हमें पीने की पानी की किल्लत हो सकती है, क्योंकि बारिश कम होगी तो अंडरग्राउंड वाटर कम बनेंगे, और उससे पेड़ भी कम पैदा होंगे जिससे हमें ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, और दिन ब दिन हमारा जो आने वाला कल है वो और प्रदूषित होता जाएगा। तो हमें उसके लिए और क्या क्या करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करके पेड़ लगाने चाहिए, अपने जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है मतलब एसी रेफ्रिजरेटर उसको कम यूज़ करने चाहिए, चारों तरफ पे अपने आने वाले कल को बच्चों को समझाना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने साथ में जो प्रकृति है उसको अपने साथ में ले कर चलना है, क्योंकि हमारा जब भी मन खराब होता है हम उस प्रकृति की तरफ चले जाते हैं, हम उस पर जाके अपना ध्यान टिका देते हैं, लेकिन जब भी हम उन्नति के बारे में सोचते हैं तभी उसे ही ध्वंस करते हैं। तो हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट सोच होना चाहिए, मैं जो बोल रहा था कि वक्त वक्त पैसा नहीं होता, वक्त में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, आपको जितना चाहिए इस प्रकृति से आप उससे कम यूज़ कीजिए, और आने वाले कल के लिए उतना ही छोड़ के जाइए ताकि वो आपसे ये प्रश्न नहीं करे कि आने वाला कल को आपने क्या दिया, और आपको एक बहुत सुंदर सा खुशहाल सा आने वाला कल जरूर आपके साथ में जी पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो है अपने प्रकृति को वक्त देना, और उससे आपको एक एश्योर रिटर्न मिल सकता है, वो एक हरा भरा एनवायरनमेंट जिसमें आप और आपका आने वाला कल खुशी से जी सकते हैं। धन्यवाद। मेनी मेनी थैंक्स रविंद्र ब्रो आपका ये लेक्चर के लिए, और जैसे आप देखे हैं, जैसे रविंद्र ब्रो बताए हैं हम सभी को कि जो सारी डेवलपमेंट हम लोगों को करना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट का साथ साथ एनवायरनमेंट का बारे में भी हम लोगों को जरा ध्यान रखना चाहिए, और आज से आज 5 जून एनवायरनमेंट डे से यही हमारा उम्मीद रहेगा कि अगले दिन हम लोग जो भी काम करें हमारा एनवायरनमेंट के बारे में सोचकर काम करना पड़ेगा हम लोग को। सो थैंक यू वेरी मच।